तो है गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और योग क्लास 7:30 बजे तक रहती है, पर अभी हम 7 बजे ही गेट पे जा रहे हैं योगग्राम के। और क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम दोनों करवा रहे हैं सी पेप्टाइड, पेनक्रियास कितना एक्टिव है, बीटा सेल्स क्या है, जिसके बारे में जानकारी मिल जाएगी हमें, तो वो टेस्ट करवाने के लिए आ रहे हैं। और डॉक्टर लाल पैथ लैब वाला भैया हैं, वो यहाँ आएंगे, क्योंकि उनका नंबर ले लिया था हमने यहाँ पे, एक दीदी से नंबर ले लिया था, उन्होंने टेस्ट करवाया था, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट होता नहीं है योगग्राम के अंदर, बहुत कम छोटे टेस्ट होते हैं यहाँ पर। उनकी लिस्ट लगी हुई है कौन कौन से टेस्ट होते हैं। 6 बजे वो फ़ोन लगा दिया था उनको, उन्होंने कल ही हमने बात की थी तो उनको रिमाइंड करवाना था, करवा दिया। वो आ चुके हैं शायद, वो गेट पर दिख भी रहे हैं, कोई आया है बाइक से, तो हम पहुँचने वाले हैं हम भी। तो भैया आ गए, अभी हमारा सी पेप्टाइड हो रहा है। इतना फोन तो मैं पिक्चर बनेगा ऐसा, बहुत बड़ी सीन है यार, आप मोटी टाइप का आज सीधा यार, बहुत बड़ी सीन दस में है। A few moments later. तो अभी नाश्ता करके आ गया हूँ। मैंने कल ना एक इंसुलिन कम करा था ना एक पॉइंट, तो मेरी शुगर आज बढ़ गई है, 2-3 दिन बड़ी रहेगी ऐसा कहा डॉक्टर ने। 190 आई है आज सुबह फास्टिंग, तो ऐसे ही करके इंसुलिन छूटेगा। हम क्या करते हैं कि अगर इंसुलिन शुगर बढ़ती है तो इंसुलिन बढ़ाते जाते हैं, वो गलती करते हैं हम। तो अभी मैं जा रहा हूँ रिसेप्शन तरफ, कुछ काम है मुझे, डॉक्टर से भी मिलना है, मेरे को जाना है अब यहाँ से इसलिए। तो गाइज़, मैंने कल के ब्लॉग में आपको बताया था ना कि मुझे एक सब्सक्राइबर मिला, और बस ऐसे ही खुशियाँ मिलती है, अच्छा लगता है मतलब कोई मिलता है। तो ये हैं शुभम जी बिहार से, तो इन्होंने मेरे वीडियो देखे थे और ये योगग्राम आने वाले थे, इसलिए कैसा लगा था आपको? अच्छा लगा, हमको पता नहीं था कि आप रहेंगे यहाँ पे। अच्छा, उन्होंने आप चले गए? नहीं, मैं यहीं हूँ, मतलब 2-3 दिन और हूँ। तो मुझे भी मिल गया शुभम से, अच्छा लगा, और एक फ़ोटो भी डाला था मैंने कम्युनिटी में, देखा होता देख लेना आप। तो मिलते हैं फिर, नेचुरोपैथी के लिए जा रहे हैं, मतलब गाड़ी में बैठने वाले हैं अभी हम। ये गाड़ी खाली है, इसमें बैठ जाते हैं नेचुरोपैथी के लिए। मेरी जाकुजी क्रिया हुई और बैक पे और लेग्स पे मालिश हुई उसके पहले, और अभी मिट्टी लेप हुआ, और अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, फिर पंचकर्म सेंटर जाना है। तो है गाइस, मैं अभी नेचुरोपैथी सेंटर से आया हूँ और मैंने शुगर चेक की, तो देख लो 138 आई है, मतलब मैंने कल इंसुलिन कम करा, उसके बाद भी अभी ब्रेकफास्ट के बाद 138 आई है, तो अब मेरे लिए गुड न्यूज़ यही है, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो मुझे सब। तो गाइस, मैं जा रहा हूँ अपने वार्ड में गोलियां लेने के लिए, बस्ती के लिए, और भरत ने नंबर लगा रखा है, तो हम दोनों चले जाएंगे डॉक्टर साहब से मिलने के लिए। और अभी जा रहा हूँ मैं पंचकर्म सेंटर गोलियां लेके, ताकि बस्ती ले लूँ, और आज टिकट कंफर्म करवा लूँगा मैं, आज या कल सुबह हो जाएगी तत्काल में कभी, तो मैं निकल जाऊँगा कल या परसों में निकल जाऊँगा। तो यहाँ कमरे पर आकर मैंने ये निकाल ली है गोलियाँ सारी, और ये खाली डब्बे हैं, ये फेंक देता हूँ मैं डस्टबिन में, और गोली लेके मैं जा रहा हूँ पंचकर्म सेंटर। तो मैं अभी पंचकर्म सेंटर पीछे से घूमते हुए जा रहा हूँ, और वहाँ जा रहा हूँ आखिरी कोने पर, इधर सुबह जलनीति वगैरह करते ना, इधर से ही होके जा रहा हूँ मैं पीछे से, तो वहाँ जाके बस्ती ट्रीटमेंट होगा। तो गाइस, मैंने गोलियां निकाल ली है, और वहाँ कैंची पड़ी थी तो काट के रख दी है, अभी मैं जा रहा हूँ बस्ती लेने। और 5वें सब्सक्राइबर मिल गया मुझे यहाँ योगग्राम में, राम निवाजी पाटीदार है, कहाँ से आप? झालावाड़। झालावाड़ से, तो इन्होंने मुझे रोका कि एक मिनट रुकना, तो मैंने कहा आ रहा हूँ मैं गोली काट के, तो ये गोलियाँ काट के निकाली, और मिला तो वही बात बोल रहे थे कि यूट्यूब से देखा मैंने आपको, तो फिर खुशी हुई बहुत बहुत ज़्यादा, ऐसे ही खून बढ़ता जा रहा है। अच्छा लगे वीडियो आपको? बहुत बढ़िया लगे। तो
और फिर मिलते हैं आपसे ना। बिल्कुल, भोजनशाला मिले थे, फिर मिलेंगे दोबारा। तो वहाँ गोलियाँ दे दी मैंने अंदर, किसी विशेष तेल में गरम करेंगे और बारीक पीस के डालेंगे उसमें। तो गाइस अब टाइम हो गया है, 12 बज चुके हैं लगभग और बस्ती हो चुकी है, और मैं नहा तो सकता नहीं अभी 2 घंटे, मतलब मैं घर के पास आ गया हूँ और अभी हम होगा तो खाना खाने जाएंगे। तो गाइस अभी खाने में है कद्दू, मशरूम की सब्जी है पाल पत्ता गोभी के साथ, और सूप है, और रोटी है रागी बाजरे की 2। अब मेरी इच्छा हो रही है जाने की घर, काका जी को बोल रहा हूँ टिकट करवा दो, तो हो रही है क्योंकि तत्काल में होगी तो वो तो शायद कल या परसों में होगी, और यहाँ से भी चेकआउट करवाना है, प्रोसेस लंबी रहेगी। तो गाइस खाना खा के अभी हम जा रहे हैं वार्ड में, और भरत ने आज चेकआउट की प्रोसेस डाल दी है। अगले दिन अगर आपको जाना है मान लो, तो एक दिन पहले आपको चेकआउट की प्रोसेस डालना ज़रूरी है, तब जाके अगले दिन आपको चेकआउट होगा, क्योंकि डॉक्टर से लिखवाना है, डाइट लिखवाना, बहुत सारे काम रहते हैं, तो वो करवा लो और फिर चेकआउट के लिए एक दिन पहले डॉक्टर से मिलना पड़ता है। यानी आपको कल जाना है तो आज ही मिलना है डॉक्टर से, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, वरना फिर आप सोचो कि यार ये इतना लेट क्यों रहा, हर काम में प्रोसेस क्यों लेट हो रही है, तो दिक्कत आ जाएगी। A few moments later. रिसेप्शन से आने के बाद ना थोड़ी देर एडिटिंग की और झपकी आ गई थी मुझे, तो उसके बाद अभी जा रहे हैं नेचुरोपैथी, और अब मैंने बैग रख दिया और केवल पट्टियाँ उठा ली है, क्योंकि रोज़ वजन उठाना के जाना पड़ता है, और आज से मैं बैग वगैरह पैक भी कर लूँगा क्योंकि मेरे को कल प्रोसेस करना है निकलने की, परसों निकलना मुझे यहाँ से, कल सुबह मेरी शायद ट्रेन की टिकट हो जाएगी कन्फर्म। आने के बाद है ना जाने का समझ नहीं आता है क्योंकि जाना कब है, कब टिकट कन्फर्म होगी, ये दिक्कत आती है यहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको फ़िक्स करना अगर आपको आना है, और पहले बताया ना मैंने आपको पैसे पहले पूरे नहीं देना है, 2-3 हज़ार रुपये बचा के रखना, सारे दे दिए तो रिफ़ंड नहीं होगा आपका, अगर आपको इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया बीच में। तो गाइस मैं गेट पे जा रहा हूँ नेचुरोपैथी करवाने के बाद, क्योंकि मैंने गेट पे सुबह जब ब्लड टेस्ट करवाने आया था ना मैं, तब मैं भूल चुका हूँ धूपदानी, वो भूल गया था, वहीं पर रख दिया था, मैं लेने जा रहा हूँ, कभी होगा पड़ा तो मिल जाएगा। A few moments later. तो गाइज वो पॉट मिल गया मुझे, ये मुझे लगा कि कहीं चला नहीं जाए, तो उन्होंने शायद संभाल के साइड में रख दिया था, मैं गया सीधा दिख गया, मैं उठा के लेके आ गया, पूछने की भी ज़रूरत नहीं समझी मैंने, और हमारा रिसेप्शन वापस जा रहा हूँ पैदल में। तो गाइज वो पॉट ढूंढने के बाद रिसेप्शन गए थे, रिसेप्शन थोड़ी देर बैठे वहाँ, कुछ देखा मैनेजर नहीं थे क्योंकि कुछ काम था रिफंड का इसको भरत को, फिर हम आ गए हमारे रूम पर, फिर मैंने वीडियो एडिट करा, और अभी ये वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है तो मैं जा रहा हूँ कैंटीन तरफ बैठूँगा, और 7:30 बजे खाना चालू होगा, तो वहीं खाना है हमें, तो वीडियो भी उधर ही अपलोड करूँगा, होगा तो हो जाएगा उधर वीडियो अपलोड, इसलिए वहीं जा रहे हैं अभी हम। यहाँ कैंटीन के सामने नेट अच्छा चल रहा था, वीडियो अपलोड कर दिया है, और अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, भरत को भूख नहीं लग रही है तो वो देर से खाएगा, मैं जा रहा हूँ, मुझे लग रही है भूख तो खाना खा लेते हैं। केवल 2 पॉइंट इंसुलिन लगा लिया है मैंने अभी शाम का, और भिंडी की सब्ज़ी है, 2 स्टार दलिया है, सूप है मिक्स वेजिटेबल का, और एक ये सब्जी है ग्रेवी, इसकी अच्छी लगती है, इस ग्रेवी से ही मैं 2 स्टार दलिया वगैरह खा लेता हूँ, खाना खा के फिर मिलता हूँ मैं आपको। नया वाला ये इधर बैठने की व्यवस्था खाना खाने के लिए, क्योंकि इधर एसी वगैरह चल रहा था, इधर बैठ गया मैं। तो गाइज मैं खाना खाने के बाद आया डॉर्मेट्री, और ये कपड़े धोए मैंने, और मैं नहाया, और नहाने के बाद अभी मैं सोच रहा हूँ कि कल टिकट अगर सुबह कन्फर्म हो गई तो मेरे को क्या क्या करना है, नींद नहीं आ रही है, कपड़े कैसे जमाना है, क्या क्या सामान खरीदना है, दवाइयाँ कितनी खरीदना है, तो कैसे करूँगा मैं सब अकेला मैनेज, और कैसे मैं सारा सामान उठा के जाऊँगा, कैसे चेकआउट लूँगा, अकेला कैसे करूँगा मैं समझ नहीं आया। तो ये ब्लॉग आपको अगर यहाँ तक पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और रात की 10:30 बज रही है और ये कपड़े धो के सुखाए मैंने, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।